हेलो गाइस, तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर में। तो आज हम आपको लेके चलने वाले हैं हिमाचल की वादियों में। तो आज हम जाने वाले हैं बैजनाथ, वहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है, उसका नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। लगभग 200-250 किलोमीटर का सफ़र है, काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको हर एक मज़ेदार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सामान वगैरह हमने पैक कर लिया है, तो निकलने वाले हैं बाइक पर। इस बाइक पर हम जाने वाले हैं। लगभग 200-250 किलोमीटर का सफर है, काफी मजा आएगा घूमने का, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सफर हो चुका है शुरू। गाइस, अभी हम जो है कांगड़ा के पास पहुंच चुके हैं। कांगड़ा हमारे से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे है, तो हम वहां पर एक ढाबे पर बैठे हुए हैं, चाय पान करेंगे। बाइक चलाकर जो है थक चुके हैं, लगभग 2 घंटे का लगातार सफ़र किया है, तो चाय पान करके उसके बाद आगे का सफ़र तय करते हैं। पीली है, अभी हम फिर से रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं। चाय पीने से है वो थोड़ी सी फ्रेश हो गया, अब हम तो बाइक वगैरह भी थोड़ी गर्म हो गई थी, तो आगे का रास्ता तय करेंगे। पालमपुर आ चुके हैं हम, पालमपुर में। पालमपुर का बाजार देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। ऊपर देखिए जो बादलों में जो सामने देख सकते हैं, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पर पहाड़ों का। तो पालमपुर बस स्टैंड ये रहा सामने, बस आ रही है यहाँ से, पालमपुर बस स्टैंड है यहाँ। ये देख सकते हैं सामने पालमपुर का बस स्टैंड है, पहाड़ों का व्यू देखिए, जो धुंध पड़ी हुई है, कितनी नज़ारेदार है यहाँ पर। तो ये मंदिर है वो आने वाला है सामने, देख सकते हैं 300 मीटर दूर रह गया है बैजनाथ का। हाँ मोटर चला है नहीं, वो तो मेरे अपनी प्ले लेना पूरी है, तो वॉइस ओवर कर लिया, मैं भी बोला ना कि साहब तो भाई आ ही नहीं होनी। तो ये रहा बैजनाथ, हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ में। तो इस प्रकार से दिखता है बैजनाथ का बाजार। तो ये जाता है मंदिर को रास्ता। हम आ चुके हैं, बाइक को कर दिया यहाँ पर पार्क। आने वाला सामने देख सकते हैं, ये मंदिर को जाने रास्ते में आता है और बाजार है। तो ये रहा सामने प्राचीन शिव मंदिर। तो देख सकते कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ घूमने आए हुए हैं। इस तरफ से हम आए हैं, तो ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार।
जहाँ पर लोगों ने अपने जूते वगैरह उतारते हैं यहाँ पर। तो ये बाहर निकलने का रास्ता है यहाँ से, ये अंदर का प्रवेश द्वार है। तो जो मंदिर के अंदर था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं बाहर से आपको सब नज़ारा दिखा दूंगा। जब रावण की तपस्या से शिवजी भगवान प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ लंका ले जा सकते हो शिवलिंग के रूप में, परंतु इसे रास्ते में कहीं भी मत रखना। लेकिन जब वो लेके जा रहा था तो रास्ते में उसे लघु शंका लगी, अर्थात टॉयलेट लगा। तो वहाँ पर एक गडरिया था जो भेड़ों को नहीं चाहता था, उसका नाम बैजो था। तो उसने बैजो को जो है शिवलिंग थमा दिया, परंतु बैजो से उसका भजन जो था मतलब उठाया नहीं गया, तो उसने उसे ज़मीन पर रख दिया। जब वो वापस आया तो वो शिवलिंग द्वारा से उठा नहीं पाया, तो वहाँ पर ही उसका मंदिर बन गया। तो उस जो गडरिया के नाम पर ही इस जगह का नाम बैजनाथ पड़ा। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से मान्यता है। तो ये रहा सामने मंदिर का फुल नज़ारा, चारों तरफ का आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ मैं। काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हुए हैं। आप जब भी बैजनाथ आओ तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है इस मंदिर का। जो लोकेशन है इतनी बढ़िया है यार, आप क्या बताऊँ आपको मैं। ये मंदिर के पिछली साइड का व्यू देख सकते हैं, बहता हुआ पानी कितना नज़ारेदार देख सकते हैं। ऊपर पहाड़ देखिए, तो हल्का हल्का कोहरा पड़ा हुआ है पहाड़ों पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। उधर पार्क वगैरह काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो ये रहा प्राचीन शिव मंदिर, देख सकते हैं आप। कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर एक मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यही था आज का ब्लॉग, मंदिर अच्छा लगा है तो बताना ज़रूर कमेंट करके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लोकेशन पर।